सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आपको हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। दोस्तों, जब भी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम अपने सामने आने वाली परिस्थिति को देखकर या तो हार मान लेते हैं या फिर लड़ना छोड़कर हथियार डाल देते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि विजेता वो लोग नहीं होते जो कभी नहीं हारते, बल्कि विजेता वो लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला, आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए और दूसरा, आपको कभी हार नहीं माननी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर चलेंगे वह आसान नहीं होगा, वह मुश्किलों से भरा होगा। साथ ही साथ आपको उस रास्ते पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आपके सपने से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको उन मुसीबतों से डरना नहीं है, आपको उन मुसीबतों का डटकर सामना करना है। अगर आपने हार मान ली तो आपका सपना एक सपना ही बन के रह जाएगा और आने वाले भविष्य में आप ये कहकर पछताओगे कि मैं ये कर सकता था, मुझे ये करना चाहिए था। दोस्तों, आपका सपना एक सपना नहीं है, इसके साथ आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों और बहुत से लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करते हुए असफल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो जाएं, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ था, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने आने वाले कल के लिए क्या किया। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो आपकी पूरी जिंदगी पछतावे के साथ बितानी पड़ेगी। हर पल हर लम्हा ये कहते हुए बीतेगा कि आप ये बहुत आसान था, मुझे करना चाहिए था। अभी आपको फैसला करना है कि आपको आपके आने वाली जिंदगी को खुशियों के साथ बिताना है या फिर उस लम्हे के साथ बिताना है जिस वक्त आपने हार मान ली थी। अब मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने सपनों को, अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अपने सपनों को पूरा कीजिए। अब आखिरी में मैं आपको इतना ही कहूंगी कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी बात से हिम्मत न हारना ठोक रही इंसान को चलना सिखाती है। धन्यवाद।